हमारे हल्का को माले बारह साल मुख्यमंत्री है, क्यों भाई साहब पीना पानी भी नहीं है। कुलदीप राजा उस टाइम तो हल्का में रुका को नहीं, यो बाज्य है। 2005 में कांग्रेस का राजा आया, उस टाइम काम हुआ हल्का के ऊपर, करा के हुआ तो बाज गया। मैं संदीप नोखवाल, आप देख रहे हैं HBN 24 न्यूज। अभी काबरेल गांव के अंदर मौजूद हूँ, आदमपुर के बहुत ही करीबी गाँव है काबरेल, और काबरेल के अंदर जनसंख्या कितना, वोट बैंक है ये काबरेल गाँव के बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं। तो ताऊ जी राम राम। राम राम। तो आपका काबरेल में कितने वोट है भाई? वोट तो 3000 के लगभग है। 3000 के लगभग है, तो चलिए मैं इनसे बात कर लेता हूँ। तो 3000 के लगभग वोट है, तो पिछली बार किस पार्टी के कितने कितने वोट आए थे? देखो जी, इतना तो मेरे ध्यान को नहीं। तीनों सब गलत है मेरे ध्यान। आपका गाँव में कौन लीड ली थी पिछली बार? पिछली बार तो जो ये इलेक्शन ये तो ये ली थी। सुनो, हाँ जी, तो इस बार के माहौल चल रहा है? अब की बार तो जेपी जीता है। जेपी जीतता चलो एक तरफ हुई, क्या वजह है इस चीज की कि जयप्रकाश जी जीत रहे हैं? बदलाव। अच्छा जी, बदलाव चाहते हैं, काबरेल चाहते हैं। हाँ, बदलाव। तो के मार्जिन लग गया भाई 3000 वोट में? तो जेपी भाई इतने वोट तो 100% निकाला, 100% पूछा मैंने। देखो जी, 100% की इतनी तो मैं सर्वे कॉन्फ्रेंस का, लेकिन एक ही आइडिया भी अब की बार जीती जेपी बढ़िया अच्छी तरह से जीता है। तो के नाराजगी होगी कुलदीप विष्णु जी से? नाराजगी कुलदीप के हो जी, मानते हो कुलदीप मारा बढ़िया है हमारा गांव हल्का करे गयो, लेकिन आज सरकार किसान से कितना दुर्व्यवहार करे हो, सर्दी के अंदर ठंडो पानी। अच्छा, मतलब कुलदीप से नाराजगी नहीं है आपकी? नाराजगी भाजपा से है? भाजपा से है, और जो पहला रिजल्ट फिर इंचिता दीवान में तो, लेकिन भी कितना ठंडो पानी गेड़ो किसाना पर, इतना ज्यादा सीरिया रोप दिया, तार ईंट बिछा दी, कितना कितना बुरे व्यवहार करे, सड़क खोद दी। ये सरकार का रवैया हो गया किसान के साथ ऐसा करना, और फिर बाद में उन्होंने उसी सरकार ने घुटने टेक दिए, या तो रवैया अपना लिया तो मरण द्यार घुटना भी टेक दिया सरकार का किसान का। लोग तो आज हलकम चल रही है, लोग तो उनका मोदी जी है तो सब कुछ है, मोदी जी के नाम पे वोट मांग रहे हो, कोई धड़कड़ भी आ रहे हैं, बोले आप सब सब कुछ ठीक हो जाएगा किसानों के? दो कारण रद्द कर तो दिए, रद्द तो कर दिए, अरे 750 मरे पंगा बन पत्थर लिया दियो ले आ लियो, सही है जे कानून रद्द कर सके तो नहीं तो वापिस ले सके है, और फिर कितना कितना बुरा व्यवहार तो चोखो, बुरा व्यवहार तो चोखो। यूं बताओ, किसान है एक अड़ू गेड़ा बन आतंकवादी, आतंकवादी को करा आतंकवादी तो फिर क्या वोट मांगता? फिर मैं तो आतंकवादी तो आईडू किसान मार के गेड़ा को नहीं आया, आतंकवादी क्या वोट मांगा फिर क्या मेरा आगे जना जनो तो अपील करे वही। फिलहाल आपके एरिया में क्या क्या समस्या है किसानों की? समस्या किसान के सारी है, ई बात मान ली मारो गाँव है, मारा गाँव मारा हल्का को माले 12 साल मुख्यमंत्री है, क्यों भाई साहब पीना पानी भी नहीं है। शॉर्ट में सारी समस्या बता दो भैया, पानी की समस्या या इसकी समस्या? सारी समस्या शॉर्ट में तो बताओ, समस्या सारी है, सुविधा की है यूं को ले, सुविधा को नहीं, समस्या ज्यादा है, सारी समस्या होगी। हाँ सारी समस्या, 80% समस्या है, सुविधा को नहीं। तो ठीक है जी, ताऊ आपका क्या कहना है, कौन जीतेगा? अरे जेपी जीती भाई। अच्छा जेपी जीता, चलो जेपी के बारे में बता ही दिया, हाँ जी कौन जीतेगा? या तो जेपी जीतेगा, जेपी जीतेगा तो, ये तो बोले सारी समस्या, तो एक आधी समस्या बताओ भाई। यह समस्या एक तो सबसे बड़ी बीजेपी की नाम की इस हरियाणा में देश में समस्या है, और दूसरा ये 24 साल तक जीतदाव है तो पब्लिक का यो करिया के खिलाफ है, करिया कुछ नहीं, यो राज अंधा हो जाए तो उल्टा पास। ताऊ जी ने कहा भाई, मैंने कुलदीप बिश्नोई नाराज को नहीं, मैं तो भाजपा नाराज हूँ क्योंकि किसान का गलत अत्याचार करिया। तो आपकी क्या नाराजगी है, किसके लिए नाराजगी है? बिश्नोई के साथ नाराजगी है, भाजपा के लिए नाराजगी है, दोनों के साथ नाराजगी है। अच्छा जी, क्या क्या बात की, किस बात की? कुलदीप राजा उस टाइम तो हल्का में रुका को नहीं, यो बाज्य है। 2005 में कांग्रेस का राजा आया, उस टाइम काम हुआ हल्का के ऊपर, करा के हुआ तो बाज गया। 9 में इसके 6 विधायक जीते, इसने डिप्टी सीएम बनाए थे, जद भी को रुकिया कोरी रुकिया, यो बाज गया। उसके बाद में 2014 में बीजेपी के साथ इसका अलायंस था, फिर बाज गया, फिर कांग्रेस में गया। 2019 में कांग्रेस का राज कौन आया तो बड़े जीत गया यो विधायक। इवागा 24 में कोई आवार और यो बीजेपी में बाजी है, जे बीजेपी में जाना था 2019 में चल जा, तो यह बात है भाई। अच्छा यह बात है, फिर यो जीत गया चल गया, उसका पच्छा कम में यो बस स्टैंड ऊपर के टिप है, इसके वर्कर भी है ना उसका, नहीं पच्छा फोर के टिप जे क्या बात हो गई, 1.5 साल कर लेने दो, फिर उल्टा फिर उन्ना कांग्रेस में आ जाएगा। कौन है बिश्नोई भाई? हमने तो ना तो इसने ले जानी है, ना हम इसने वोट देवा और ना बात। अच्छा हाँ, हम तो इसे ना रहोगा, उसे ना वोट देंगे, वो रंधा दिखा जेपी। और जेपी बाज गया फिर है, जेपी बाज गया फिर बाज है, कहते कौन बाज को के भाई, या बात पक्की भाई कौन बाज है के? वो पार्टी तो कौन बदला है, फुरवा तो कोनी, ये तो बेस पूरा जो फुरजे है। तो के खासियत लगी जेपी में?
भाई जेपी खासियत की बात हो रही कांग्रेस, जब पे छोड़ो कांग्रेस बताओ, कांग्रेस भैया काम कांग्रेस के 8 साल का महाराज का मा यो बढ़िया हो रहा है, ठीक है, यो चौक है, इसका उद्धार होया, गलिया बनी, सारा काम हो गया। तो कुलदीप बिश्नोई थे कांग्रेस का, क्या कहता है, यो तो अजका थी इसकी। अच्छा उस टाइम काम हुए थे, अरे भैया बीजेपी की 8 साल की सरकार आ गई, एक ईंट भी लग गए तो बता दो, एक ईंट भी को लगी तो सरकार में तो ये मिले लग रही री ए ई लागे बीजेपी राज मारा पंचायती किला की बोली जाए 12-14 लाख की आवे बाग पीछे हो लागे। राजीव गांधी सेवा सदन कांग्रेस की राज में बनया, कोई वाटर वर्क्स बनया, उड्डा तो वाटर वर्क्स की घोषणा करे बना हुआ है। अरे यो कुलदीप गामगान भड़का गए, जो एक सपोर्टर बेचारी बोली बाली सरकता बिगा उ घड़िया फुड़ावे, फिर भी उड्डा रहा उ वाटर वर्क्स दिया, बहुत मान सम्मान रखा। तो जैसे कि भजनलाल जी ने भी काफी कार्य किए थे, आज भी लोग उनके नाम पर वोट देते हैं कुलदीप बिश्नोई को। मैंने एक व्यक्ति विशेष कर ले बागा एक काम होया, जो कि जो और वर्कर रहा हो रहा बागो हमेशा ही शोषण हों है भजनलाल के टीम में भी और कुलदीप के टीम में भी। हाँ जी आप भी सुना दो कि मैं बिश्नोई तो नाराजगी हो रही है, बिश्नोई नाराजगी क्या हो रही है, पार्टी हो रही है, पार्टी तो होगी किस तरह, कदी तो घटिया ले दे बीजेपी पार्टी था, हाँ अच्छा, कदी खंबा बजा चढ़े हो हैं, ईवी पार्टी में, ईवी पार्टी में कोई ईवी विरोध है माने, अच्छा अच्छा खंबा पर चढ़े नहीं बेरे थाने, तो कोई ना इन्हें मजे लेने तो 1.5 साल के बाद में फिर उल्टा को आज ये है, ईवी बनियो पसरी है जंगल में, ईवी काट ने, ईवी आ रही है पिंजरे में, शेर शेर खाई भी ने, शेर दो ले रखे एक इन खाजी, तो ये तो भव्य बिश्नोई ने उतार दिया, वो तो सेफ है बिश्नोई, कुलदीप बिश्नोई का कोई चक्कर ही को नहीं, तो ठीक है नहीं मैं तो दियो के भाई, अच्छा तो बिंगो ही कौन है वो खाना बजानत को नहीं, के चीज कुकर पे बिना बेरे पेदम के चीज चाहिए, मारा कितना पानी चाहिए बेरे बिना, मारा छोरा का नहीं है बे भी मैं कौन कर के रहा, लोग तो नुका है बजलाल की तरिया ही छोरा है बजलाल वर्गा दादा जी सा पोता, वो एक तो देख रहे वो कभी तो खंभा बजा चढ़ियो कभी दो घड़िया चक लिया बने, वो भी घना ही पैंतरा खेद लिया क्या गोई? तो एक बात और बता दो कितना मार्जिन लग गया अपना आदमपुर से जेपी का, मार्जिन मतलब को नहीं, मैं यूं का चाहे एक वोट जीत जाओ, अच्छा बस जीत होगी नहीं मेरा जी हां बस जीत चाहिए माने, चलो ठीक है जी धन्यवाद। तो ये थे काबरेल गांव से ग्रामीण लोग जिन्होंने बताया अपनी समस्याएं बताई, और आप लोगों को अपनी जो डिटेल में समस्याएं से लेकर हर चीज़ के बारे में बताया, तो इसके बारे में आप कमेंट कीजिए, जुड़े रहिएगा HBN 24 न्यूज़ के साथ। जय हिंद।